Hi, today is 25th of April 2020. Let us have a quick discussion of today's newspaper, The Hindu. आज के पेपर में ये सारे essential vocabulary words हैं. पहला, first is spike. Spike का मतलब होता है sharp increase होना, sudden rise होना, that is called spike. Hazard. Hazard का मतलब होता है potential disaster, मतलब potential है disaster करने का, that is called hazard. Risk, risk को hazard बोलते हैं. Self-reliant का मतलब होता है self-sufficient होना. Pandemic का meaning होता है widespread होना, disease के context में से use करते हैं. Draw flag मतलब strong criticism आप receive कर रहे हो, that is draw flag. Then mosaic मतलब एक picture है जिसमें बहुत सारे pieces together हैं, जैसे India में बहुत सारे different diversity है, that presents a beautiful mosaic. Then anathema का meaning होता है hateful, ban, repugnant. Then ये एक टर्म होता है जुडिशरी में यूज होता है, ऑबिटर डिक्टा. इसका मीनिंग होता है जब जज जजमेंट पास कर रहे हैं तो जो नॉट बाइंडिंग पार्ट होता है रिमार्क का, दैट इज कॉल्ड ऑबिटर डिक्टा. बहमोथ मींस ह्यूज मॉन्स्टरस. डिस्टोपियन मींस बैड प्लेस, फ्राइटनिंग सोसाइटी. देन लिथैलिटी मतलब वो कितना इंजरी कर सकता है, सीरियस हार्म पहुंचा सकता है, दैट इज लीथल. देन वाइंडिंग अप मतलब जैसे कंपनी डिसॉल्व हो रही है, दैट इज कॉल्ड वाइंडिंग अप ऑपरेशंस. स्टैंड स्टिल का मतलब होता है हॉल्ट या फिर स्टॉप हो जाना. लॉन्ग टेल भी एक बिजनेस प्रोडक्ट में एक टर्म होता है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग में. इसका मतलब होता है कोई एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोडक्ट होने के बजाय बहुत सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं, स्मॉल क्वांटिटी में सारे सेल हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टेल. सो टुडे इज 25th of April 2020. आज हम ये सारे जो न्यूज़ आइटम्स हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस वोकैबुलरी में. मीनवाइल इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इम्पॉर्टेंट वर्ड टू राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग. सो लेट अस स्टार्ट. जो फर्स्ट न्यूज़ आइटम है दैट इज चेंजिंग हॉटस्पॉट्स. हॉटस्पॉट्स चेंज हो रहे हैं जैसे जैसे COVID-19 का ये प्रोग्रेस हो रहा है इंडिया में. देन इंडिया मस्ट बी सेल्फ रिलायंट. ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इंडिया सेल्फ रिलायंट होना चाहिए. देन प्रेयर एंड पेंडेमिक. इसमें हम जामा मस्जिद के बारे में पढ़ेंगे, इसका आर्किटेक्चर क्या है, यहाँ पे मुगल स्टाइल के क्या एलिमेंट्स यहाँ पे विजिबल हैं, विल गेट टू नो अबाउट इट. देन वाइट टाइगर टाइगर की स्पीशीज क्या होती है, बिग कैट्स क्या होते हैं, सब स्पीशीज क्या होती है, COVID-19 का कैसे अटैक हुआ है इनमें, टाइगर सेंसस क्या होता है, एम स्ट्राइप्स क्या है, NTCA, विल गेट टू नो ऑल ऑफ दीज. देन डोनेट प्लाज्मा का मतलब होता है कॉन्वालेसेंट थेरेपी होती है जो रिकवर पेशेंट है उससे. तो अभी डोनेट प्लाज्मा कुछ ट्रायल्स हुए हैं और इस पर ज़्यादा डिमांड आ रही है. देन नो टेकर्स. इसमें हम ज्योग्राफी देखेंगे कि ये जो बनारस के 80 घाट एंड ऑल है, इसमें गंगा का मीएंडरिंग कैसे हो रहा है, डिपोजिशन देन सिल्टेशन, विल गेट टू नो अबाउट इट. देन नो 100% कोटा. 100% कोटा नहीं होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है. देन विल गेट टू नो कि बाबा साहब अंबेडकर ने इस बारे में क्या कहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. देन जॉइनिंग ऑफ जायंट्स. इसमें हम बात करेंगे दिस फेसबुक और जो रिलायंस जियो है, इनमें अभी जो डील हुआ है रिटेल मार्केट में डोमिनेशन, विल गेट टू नो अबाउट इट. देन नाइन्थ इज ट्रो एंड क्रेस्ट इन द पेंडेमिक रेस्पॉन्स. ये नेशनलिस्टिक टर्न आता है, स्टेजेस इन रेस्पॉन्स क्या हो सकते हैं. देन नो प्लान टू ईज फिस्कल डेफिसिट टारगेट. इसमें हम आर्टिकल 280 15th फाइनेंस कमीशन NK सिंह साहब का, इन्होंने अभी क्या बोला डेफिसिट फाइनेंसिंग एंड ऑल के लिए, विल गेट टू नो अबाउट इट. देन इसके बाद हम पढ़ेंगे फूड ग्रेन स्टॉक्स विल लास्ट टिल नेक्स्ट मार्च. हमारे पास अभी सफिशियंट स्टॉक है, जो इशू है आइडिया है वो हमें डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्टिव बनाने की ज़रूरत है. देन 12th इज अबाउट असम एलिफेंट रिजर्व, वाइल्ड लाइफ बोर्ड नॉट नीडिंग फॉर माइनिंग. यहाँ पे अभी रैम्पेड वॉयलेशन हो रहा है फॉर लोकल फॉरेस्ट लॉज का, विल गेट टू नो अबाउट इट. देन फार्मर्स अर्ज नॉट टू बर्न वीट स्ट्रॉ. देन 14th है बिजनेस न्यूज में हम देखेंगे डेट फंड्स क्या होते हैं एंड दे पोज नो सिस्टमेटिक रिस्क. हम इसका इकोनॉमिक टर्म है, विल गेट टू नो कि डेट फंड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, देन गिल्ट मंथली इनकम, देन इसमें अभी सिस्टमेटिक रिस्क नहीं है, विल गेट टू नो. देन वीक ग्लोबल क्यूज है, MSME के ड्यू हैं, लिक्विडिटी शॉर्टेज है, IRDAI ने रिफ्रेन किया है फ्रॉम डिविडेंड पे आउट. देन स्पोर्ट्स पोस्ट
पोस्टपोन है और ये नागालैंड ईजेस कर्ब्स विद अ बज, दिस इज अबाउट हनी रिज्यूम हुआ है. सो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट ऑल दीज आर्टिकल इन नेक्स्ट 30 to 35 minutes. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट जो है वो है चेंजिंग हॉटस्पॉट्स. हॉटस्पॉट्स वो एरिया होता है जहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है, जैसे इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स होते हैं, ऐसे ही कोविड 19 के हॉटस्पॉट्स आए हैं. ये हॉटस्पॉट्स वो एरिया हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है, बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं दिस कोरोना वायरस के. तो अभी रिपोर्ट में लार्जेस्ट सिंगल डे स्पाइक आया है इन केसेस में. गवर्नमेंट ने कहा है लॉकडाउन ने हेल्प किया है टाइमली और ये बेनिफिशियल रहा है. इससे हम कर्व फ्लैटनिंग में भी लीनियर हुआ है, हमारा कर्व एक्सपोनेंशियल नहीं हुआ है, राइजेस, दैट वाज अ प्लस. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद और सूरत ये इमर्जिंग हॉटस्पॉट्स हैं. सी यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस काफ़ी इंक्रीज हो रहे हैं यहाँ पे. ओके, देन द सेकेंड वन इज इंडिया मस्ट बी सेल्फ रिलायंट, सेज प्राइम मिनिस्टर. सेल्फ रिलायंट का मतलब होता है सेल्फ सफिशियंट होना. मेजॉरिटी ऑफ नीड्स हम खुद ही अपनी फुलफिल कर पा रहे हैं, इसका मतलब होता है सेल्फ रिलायंट. जैसे अभी पैंडेमिक के केसेस में देखा हमने, काफ़ी सारे स्टेट्स ने अपनी बॉर्डर क्रॉस कर दी है, बॉर्डर लॉक कर दी है, देन एक्सपोर्ट्स उन्होंने स्टॉप कर दिए हैं. तो इन केसेस में अगर हमारी कंट्री सेल्फ रिलायंट है तो हमारी जो नीड्स हैं वो हैम्पर नहीं होंगी. ये बात इन्होंने कहा पंचायती राज डे जो सेलिब्रेट करते हैं 24 अप्रैल 2010 से, हम 24 अप्रैल के दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. यहाँ बात था ई ग्राम स्वराज का, मॉनिटरिंग फॉर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क एंड ई गवर्नेंस. ई गवर्नेंस मतलब इंटरनेट के थ्रू. हमने जैसे पंचायती राज के जो होते हैं ना, थ्री टीयर गवर्नमेंट होती है इंडिया में, सेंटर होता है, देन स्टेट होता है, देन नीचे पंचायत होते हैं. आर्टिकल 40 में भी लिखा था हमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल को बनाना है, देन फिर हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इनको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया था. तो ई ग्राम स्वराज का इन्होंने अभी यहाँ पे ऐसा इन्होंने स्टार्ट किया था, लॉन्च किया इन्होंने. ओके, देन यहाँ पे स्वामित्व प्रोग्राम है. स्वामित्व मतलब होता है मैपिंग रूरल हाउसिंग, रूरल हाउसिंग को मैप करना और लैंड होल्डिंग को कैसे, टेक्नोलॉजी से, इंक्लूडिंग ड्रोन्स. ड्रोन्स जो एयर होते हैं, अनमैन्ड एयर व्हीकल होते हैं, इनके थ्रू आप इन्हें मॉनिटर करिए. सेल्फ रिलायंट पे आपका एम्फेसाइज है विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे. तो नो दिस थिंग, सेल्फ रिलायंट, पंचायती राज डे 24 अप्रैल 2020, ई ग्राम स्वराज एंड दिस इज स्वामित्व प्रोग्राम. देन ये जो थर्ड न्यूज़ है, दिस इज़ अबाउट प्रेयर एंड पेंडेमिक. रमजान स्टार्ट हो गए हैं तो प्रेयर एंड पेंडेमिक में आज हम बात करेंगे इनकी, जामा मस्जिद की. सी जामा मस्जिद जो है ये बनाया गया था मुगल एम्परर शाहजहां ने 1650 से 1656 के बीच में. इससे पहले शाहजहां ने ताजमहल भी बनवाया है और रेड फोर्ट भी बनवाया है. ये इसमें मिनारेट्स हैं, ये दो बड़ी मिनारेट्स हैं. ये दोनों मिनारेट्स हैं, इनकी हाइट 40 मीटर है और यहाँ पे तीन गेट हैं इसके. देन ये जो बना है दिस इज़ रेड सैंडस्टोन. ये जो है ना इसको रेड सैंडस्टोन बोलते हैं. रेड फोर्ट भी इसी से बना है और मार्बल का भी यहाँ पे यूजेज हुआ है. इसके जो फ्लोर है वहाँ पे अराउंड 899 ब्लैक बॉर्डर्स मार्क्ड हैं और यहाँ पे वर्शिप की जा सकती है. ये तीन डोम्स हैं, दीज आर कॉल्ड डोम्स. ये जो होते हैं ना इनको डोम्स बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड डोम्स. देन कैलीग्राफी बहुत अच्छे से हुई है. कैलीग्राफी मतलब ब्यूटीफुल राइटिंग से लिखना, दैट इज़ कॉल्ड कैलीग्राफी. एक्सटेंसिव यूजेज है. ये जो मुगल आर्किटेक्चर होता है, हम अभी CCRT में भी इसका चैप्टर अभी पढ़ेंगे. अभी ये जो इस्लामिक आर्किटेक्चर है इसमें ज्योमेट्री पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है. आप देखना जैसे ताजमहल का भी सिमेट्री देखिए, बहुत सिमेट्रिकल है. ये जामा मस्जिद भी है, ये भी बहुत सिमेट्रिकल है. ये इसकी हाईलाइट होती है. ओके, देन दिस इज़ पेज नंबर वन. पेज नंबर टू है IIT दिल्ली में रिसर्चर्स ने एक नया टूल डेवलप किया है टू प्रेडिक्ट स्प्रेड ऑफ COVID-19. यहाँ एक वाइट टाइग्रेस का डेथ हुआ है दिल्ली जू में. सी इससे पहले एक ब्रॉन्ज जू है न्यूयॉर्क में, वहाँ पे टाइगर को COVID-19 हो गया था. तो इंडिया में भी काफ़ी अलर्ट हो गया बिकॉज इंडिया में भी काफ़ी टाइगर्स हैं. बंगाल टाइगर्स इंडिया में काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन है. ये जो होते हैं ना ये कहलाते हैं बिग कैट्स. इनको क्या बोलते हैं? बिग कैट्स. ये जीनस पैंथरा से बिलोंग करते हैं. इन बिग कैट्स में अगर अपन मेजॉरिटी में देखें तो टाइगर, लायन, जगुआर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड आता है. इसका और एम्बिट एक्सपेंड कर दें ब्रॉडर टर्म में तो उसमें कूगर, जैसे कि माउंटेन लायन जो अमेरिका में मिलता है, चीता, ये भी आ जाता है. इंडिया में चीता एक्सटिंक्ट हो गया है वाइल्ड में. चीता को हम रीइंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं. नाम बताइए किस प्लेस में हम इसको रीइंट्रोड्यूस करने का अभी प्लान है. अब ये जो टाइगर होता है ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आता है.
टाइगर की भी बहुत सारी सब स्पीशीज़ होती है। सब स्पीशीज़ जैसे लायन का भी हमने देखा था ना, अफ्रीकन लायन भी होते हैं, इंडियन लायन भी होते हैं। तो टाइगर का स्पीशीज़ अगर देखें तो एक होती है बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर इंडिया में मिलता है। एक होता है कैस्पियन टाइगर, रिमेंबर कैस्पियन सी इधर यहाँ पे मिलता है। दिस इज साइबेरियन टाइगर, साइबेरियन टाइगर सबसे बड़ा होता है, ह्यूज इन साइज होता है। मलय, जावा, सुमात्रा, ये कुछ सब स्पीशीज़ हैं। रॉयल बंगाल टाइगर काफ़ी फेरोशियस माना जाता है। देन ये होते हैं वाइट टाइगर, जैसे ये वाइट टाइगर है। वाइट टाइगर इसलिए होता है बिकॉज ये पिगमेंट लैक करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फियोमेलानिन। इससे क्या होता है, इनके स्किन में कलरेशन नहीं आता और ये वाइट हो जाती है। रीवा जो स्टेट है मध्य प्रदेश में, यहाँ पे वाइट टाइगर मिला था सबसे पहले। ये जो टाइगर्स होते हैं ना, इनके ये जो स्ट्राइप्स हैं ये यूनिक होते हैं। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं, ऐसे इनके स्ट्राइप्स भी यूनिक होते हैं। और इन स्ट्राइप से हम एक यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये टाइगर कौन सा है। सो दैट इज़ वाई कैमरा ट्रैप एंड ऑल टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। एक AM स्ट्राइप्स भी है मॉनिटरिंग का, NTCA यूज़ करती है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, टू काउंट सेंसस दीज टाइगर्स। टाइगर सेंसस क्या होता है, जैसे ह्यूमन सेंसस होता है, अभी 2021 का होने वाला है, 1881 से चल रहा है, ऐसी टाइगर सेंसस भी होता है। इसमें टाइगर की जनसंख्या हम काउंट करते हैं। एक टाइम पे इंडिया में बहुत ज़्यादा टाइगर होते थे, फिर देन ये पोचिंग एंड ऑल हुआ। अगर आपने हिस्ट्री का NCERT 9th का पढ़ा है तो उसमें बहुत ब्यूटीफुली ये बताया है कि किस तरीके से ये ह्यूमंस और स्पेशली इन कोलोनाइजर्स ने, ये जो ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में, इन्होंने कैसे इन वाइल्ड एनिमल का पॉपुलेशन ड्विंडल करने में इतना ज़्यादा बड़ा रोल प्ले किया है। दैट वॉज नॉट एट राइट एट ऑल। तो एक टाइम था इंडिया में केवल 1411 टाइगर्स बचे थे, फिर हमने अपने एफर्ट्स इंक्रीज किए। आज जो नया लास्ट ईयर आया था सेंसस, उसमें 2967 टाइगर्स हैं। टाइगर्स को प्रॉब्लम क्या होती है, टाइगर्स को प्रॉब्लम होती है पोचिंग की। इनका शिकार किया जाता है इनकी स्किन के लिए, इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। टाइगर एक टेरिटोरियल एनिमल है, एपेक्स प्रेडेटर है, तो इनमें फाइट भी होती है, तो काफ़ी टाइगर्स अपनी लाइफ लॉस कर देते हैं। सो दिस इज़ अबाउट टाइगर्स। देन यहाँ पे दिल्ली चीफ मिनिस्टर इज सेइंग कि रिकवर्ड पेशेंट्स टू डोनेट देयर प्लाज्मा सेव लाइफ। ये क्या होता है, ये होता है कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। इसके अभी कुछ अच्छे रिजल्ट आए हैं। इसमें बेसिकली हमने इसे ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हम एक क्विक रिव्यू देखते हैं कि इसमें जैसे ये एक पेशेंट है, ये रिकवर हो गया। रिकवर हो गया मतलब इसके अंदर एंटीबॉडी आ गई है, एंटीबॉडी अगेंस्ट दिस कोरोना वायरस। अब इसका ब्लड हम लेंगे, उसमें वायरस न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी और सीरम बनाएंगे, और इसको हम यूज़ कर लेंगे प्रोफाइल एक्सेस में भी और थेरेपी में भी। प्रोफाइल एक्सेस मतलब ये फ्रंटलाइन स्टाफ टाइप है जो COVID-19 से एक्सपोजर हो सकता है, तो ये जो सीरम है वो इनको डिफेंड कर पाएगा, और ये थेरेपी होगी COVID-19 पेशेंट्स के लिए। सो अगेन यहाँ पे अपील है कि जो रिकवर हो गए, बिकॉज रिकवरी रेट भी अच्छी है कोरोना वायरस COVID-19 की, तो जो रिकवर हो गए वो अपना ब्लड डोनेट करें ताकि उनके प्लाज्मा से हम बाकी लोगों के लिए एंटीबॉडी बना सकें। देन दिस इज़ पेज नंबर 4, यहाँ लिखा है नो टेकर्स। ये कौन सा घाट है, ये 80 घाट है। 80 घाट कहाँ पर है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। सी ये जो घाट है ना बनारस के, ये बहुत अच्छे घाट बने हुए हैं। रीज़न क्या है, यहाँ पे रिवर का बहुत मीएंडरिंग होता है। जैसे ये गंगा आ रही है, ये गंगा ऐसे पूरा पूरा मीएंडर करती है। मीएंडर मतलब क्या होता है, जैसे रिवर होती है इसकी स्टेजेस होती है, ये यूथफुल स्टेज है, ये मैच्योर स्टेज है, ये ओल्ड स्टेज है। तो यूथफुल स्टेज में फ्लो बहुत तेज होता है, तो पानी में सेडिमेंट्स वो तेज़ी से फ्लो करती है। तो यूथफुल में जियोमॉर्फोलॉजी में हम पढ़ेंगे कैसे लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ट्रेंचेज इस टाइप का बनेगा, देन आपका ये डाइसेक्शन ज़्यादा करती है नीचे। तो मैच्योर स्टेज आती है तब रिवर का फ्लो कम हो जाता है, तो वो सेडिमेंट को ज़्यादा कैरी करके नहीं ले जा पाती है। यहाँ इरोजन ज़्यादा हो रहा था यूथफुल स्टेज में, अब डिपोजिशन ज़्यादा होगा, और ये जो सेडिमेंट्स है ना वो इस तरीके से डिपॉजिट होने लग जाते हैं। जैसे देखिए ये सैंडबार है, ओके तो इस तरीके के डिपोजिशन से, और बिकॉज फ्लो ऑफ रिवर कम हो रहा है, तो रिवर स्ट्रेट जाने के बजाय इस तरीके से मीएंडर करने लग जाती है। सो दैट इज़ कॉल्ड रिवर मीएंडरिंग। और ये जो बनारस के घाट से ना, इस पर काफ़ी केस स्टडीज़ भी हुआ है। यहाँ पे इस टाइप से ऐसे होता है, ये सैंड बार बनते हैं, देन ये इस टाइप से एक पूरा बनारस के घाट है। सो COVID-19 के कारण अगेन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नो टेकर्स हैं बिकॉज टूरिज्म एंड इस टाइप की सारी एक्टिविटी स्टैंड स्टिल हो गई है। ये मीएंडरिंग है, सेडिमेंटेशन, डिपोजिशन, फ्लो ऑफ रिवर स्लो, ओके हम इसको फर्दर ज्योग्राफी में काफ़ी डिटेल में देखेंगे आगे। देन दिस इज़ पेज नंबर 4, यहाँ पे ट्राइबल्स हैं। ट्राइबल्स दे आर अगेन
हैविंग डिफ़िकल्टी बिकॉज ऑफ दिस COVID-19, देन दिस इज़ मोजाइक. मोजाइक क्या होता है? ये मोजाइक होता है, बहुत सारा हमने एक जगह एक वॉल पे या फिर ऐसे पिक्चर्स दे दिया है, तो वो जो कलेक्टिव फॉर्मेशन होता है दैट इज़ कॉल्ड मोजाइक. सो दिस इज़ मोजाइक ऑफ लाइफ. देन यहाँ आता है एडिटोरियल. एडिटोरियल में लिखा है नो 100% कोटा. कोटा 100% नहीं कर रहे हैं. सी, सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग पे अभी स्ट्रेस दिया. आंध्र प्रदेश में अभी ये हुआ था 371D, उसको कुछ स्पेशल स्टेटस भी मिला है आंध्रा तेलंगाना को. यहाँ पे ये बात था कि जो कोटा दिया जाता है वो 50% से भी एक्सीड हो रहा है. तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ने कहा कि जो ओवर जीलस रिजर्वेशन होता है ये अफेक्ट करता है राइट ऑफ अदर कम्युनिटीज़ को. ये एनाथेमा है टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ इक्वैलिटी. हमारे यहाँ आर्टिकल 14 एंड ऑल में राइट टू इक्वैलिटी दिया है, बट एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिनको एक्स्ट्रा हमें हमें सपोर्ट की ज़रूरत देने की थी, तो दैट इज वाई हमने ये क्या किया, यहाँ पे कुछ सर्टेन ऑफ सीट्स जो थी उसको हमने रिजर्वेशन किया. बट अगर ये 50% से ज़्यादा होता है तो ये एनाथीमा है टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ इक्वेलिटी, इवन इफ इट इज़ फॉर द लॉडेबल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग रिप्रेजेंटेशन टू हिस्टोरिकली डिप्राइव्ड सेक्शन. तो अभी 5 जज की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है उसने ये डिसीजन दिया कि आर्टिकल 371D है, ये स्पेशल स्टेटस दे रहा है आंध्रा को, तेलंगाना. अब इसमें डॉक्टर B.R. अंबेडकर बाबा साहेब ने भी ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में कहा था इन्होंने कि जो इक्वालिटी का क्लॉज होता है, एनी रिजर्वेशन नॉर्मली ऑट टू बी फॉर अ माइनॉरिटी ऑफ सीट्स. मतलब ये माइनॉरिटी ऑफ सीट्स में रिजर्वेशन करता है, और माइनॉरिटी तभी होगा जब ये लेस देन 50% होगा. तो अगर ये ग्रेटर देन 50% होता है तो फिर ये माइनॉरिटी ऑफ सीट्स के लिए नहीं होगा, और अंबेडकर साहब ने ये जो बोला था इक्वालिटी का वो डिफीट हो जाएगा. सो दैट इज़ वाई हमने हमेशा ये इंश्योर किया है कि 50% कैप होना चाहिए टोटल रिजर्वेशन, ये इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए. अब ये मैटर ऑफ डिबेट है. सीलिंग जो है ये इनेट सेंक्टिटी भी नहीं है, सर्टेन केसेस में इसको ब्रीच भी किया गया है स्पेशल केसेस में. यहां जो जजमेंट दिया है उसमें दो पार्ट होते हैं. एक तो होता है दिस रेशियो डेसिडेंडी. रेशियो डेसिडेंसी का मतलब होता है जो जजमेंट का पार्ट है वो बाइंडिंग है, उसको मानना ही पड़ेगा. और दूसरा पार्ट ऑफ जजमेंट जो होता है वो कई बार होता है ऑर्बिटर डिक्टम. तो ऑर्बिटर डिक्टम मतलब बाय द वे, ये एक परसुएसिव नहीं है, बस जज साहब ने बोल दिया कि ऐसा भी होना चाहिए, बट दिस इज नॉट बाइंडिंग. तो यहां जो उन्होंने बात किया है दैट इज ऑर्बिटर डिक्टम. This is arbiter dictum. It is somewhat that courts tend to record arbiter dicta advocating a revision. तो यहाँ अगेन इन्होंने क्या बात किया है, ये जो पूरा सिस्टम है इसमें रिविजन ऑफ लिस्ट की भी ज़रूरत है, इसको उन्होंने arbiter dictum कहा. रिविजन ऑफ लिस्ट जो होती है इसमें इसको नोटिफाई करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये जो रिविजन ऑफ लिस्ट है इसका रीज़न ये दिया जा रहा है कि रिजर्वेशन का भी जो बेनिफिट होता है वो जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके पास नहीं पहुंच पा रहा है. अफ्लुएंट सेक्शन ऑफ दिस कम्युनिटी कॉर्नरिंग ऑल बेनिफिट एंड डू नॉट परमिट एनी ट्रिकल डाउन, ये बात यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है. सो दिस इज़ अबाउट नो 100% कोटा. देन जो सेकेंड आर्टिकल है दैट इज़ जॉइनिंग ऑफ जायंट्स. जायंट्स कौन है? एक जायंट तो है आपका फेसबुक, और दूसरा जायंट है आपका जियो, जिसको बैक्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज है. द कमिंग टुगेदर ऑफ फेसबुक एंड जियो इज एक्साइटिंग, बट देयर इज रिस्क ऑफ मोनोपोली हो जाती है. मोनोपोली हो जाती है मतलब एक ही प्लेयर है, दूसरे प्लेयर्स नहीं है. जैसे आपने टेलीकॉम सेक्टर में भी देखा, देयर यूज टू बी अ लॉट ऑफ प्लेयर, बट दीज डेज मोनोपोली हो रही है अ फ्यू नंबर ऑफ प्लेयर्स की. तो फेसबुक ने इन्वेस्ट किया है 43,000 समथिंग करोड़, 9.9% स्टेक लिया है जियो में. मार्केट डोमिनेशन इन दोनों का टैक्टिक रहा है, फोकस रहता है अब होगा रिटेल सेक्टर में, बिकॉज इंडिया में रिटेल सेक्टर है वो काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड है. अब ये उसको पूरा अपने ऑनबोर्ड लेने की कोशिश करेंगे, तो ये पोटेंशियल रहेगा ह्यूज डिसरप्शन का. ये डिसरप्शन कर सकते हैं. अमेजोन, वॉलमार्ट, ये पहले भी आ चुके हैं रिटेल सेक्टर में. बैटल फील्ड ऑफ बहमत पॉसिबल है. तो यहाँ पर अभी काफ़ी सारे चेंजेस आने वाले हैं रिटेल सेक्टर ऑफ इंडिया में. फेसबुक का एक बहुत बड़ा टूल है उसका व्हाट्सएप. सी फेसबुक है ना, इसका इंस्टाग्राम भी फेसबुक का है, व्हाट्सएप भी फेसबुक का है. ये पेमेंट सर्विसेज काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा है, जैसे UPI बेस्ड होता है ना, गूगल पे, पेटीएम एंड ऑल. व्हाट्सएप इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू गेट दिस पेमेंट सर्विसेज, बट इसको अभी रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं मिला है. तो जियो मार्ट और व्हाट्सएप, जियो मार्ट क्या है? दिस जियो का है, रिलायंस का है, जिससे ये रिटेल को इंक्लूड कर रहे हैं, रिटेल सेक्टर के जो बिजनेसेस हैं. तो जियो मार्ट मिलेगा और व्हाट्सएप मिलेगा, और ये दोनों बहुत बड़ा प्लेयर बन जाएंगे. फेसबुक
का डिफिकल्ट पास्ट भी रहा है, फेसबुक पे कई बार क्वेश्चंस भी उठते हैं बिकॉज इसकी जो प्रैक्टिसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा नॉन ट्रांसपेरेंट मानी गई हैं। डिफिकल्ट पास है जैसे पहले कुछ टाइम पहले ये फ्री बेसिक्स ला रहे थे जो अगेंस्ट दिस इंटरनेट, फ्री इंटरनेट के अगेंस्ट था, तो इसका बहुत अपोज हुआ था इंडिया में। देन इसकी डिजिटल करेंसी आई थी लिब्रा, ये भी इतना सक्सेसफुल नहीं हुई, तो कंट्रोवर्सी हुई है यहाँ पे काफ़ी। अब रिलायंस है, उसको भी इसकी ज़रूरत थी बिकॉज रिलायंस ने काफ़ी ज़्यादा खर्चा कर दिया है जियो ने, और जियो को अभी बहुत ज़्यादा उधार में है, तो ये जो पैसा आ रहा है ना 43,000 करोड़ का, इससे उसका उधार में उसको हेल्प मिलेगा, डेट रिलीफ होगा। ये लार्जेस्ट FDI इन टेक्नोलॉजी सेक्टर फॉर पास्ट सम टाइम है, कंसोलिडेशन हो रहा है, प्रॉब्लम बस यही है कि मोनोपोली हो जाएगा टेलीकॉम सेक्टर का, रिपीट यहाँ पे भी पॉसिबल है। जैसे जियो आया था, इसने काफ़ी सारे टेलीकॉम सेक्टर्स को इसने मार्केट ऑफ कर दिया, वाइंड अप करना पड़ गया उन्हें, तो अब रिटेल सेक्टर में भी ऐसी मोनोपोली पॉसिबल है, तो क्लोज स्क्रूटिनी करना पड़ेगा बिकॉज हमारे यहाँ CCI होता है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। कॉम्पिटिशन क्या होता है? फेयर होना चाहिए, एथिक्स में भी हम पढ़ते हैं ना, कॉम्पिटिशन हमेशा फेयर कॉम्पिटिशन होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए, तो क्लोज स्क्रूटिनी इज देयर। अब इंडिया का जो इंटरनेट इकोनॉमी है ये एट स्टेक है। देन दिस आर्टिकल इज अबाउट ट्रो एंड क्रेस्ट इन पेंडेमिक रेस्पॉन्स, इसे उतार चढ़ाव आते हैं ना, दिस इज ट्रो एंड क्रेस्ट इन पेंडेमिक रेस्पॉन्स। नेशनलिस्टिक टर्न इन ग्लोबल पॉलिटिक्स हैज़ अफेक्टेड वाइटल इंस्टीट्यूशंस एंड पार्टनरशिप एट अ टाइम दे आर नीडेड मोस्ट। जैसे अभी हमने देखा USA में ट्रंप ने इमिग्रेशन लॉ को लगा दिया, 60 डेज के लिए इमिग्रेशन बंद कर दिया, तो हर जगह ये नेशनलिस्टिक टर्न अभी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले हैं। दैट इज़ वाई हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी इन द इनिशियल स्टार्टिंग में हमने देखा क्या कहा है उन्होंने, सेल्फ रिलायंट होना बहुत ज़रूरी हो गया है, नेशनलिस्टिक टर्न काफ़ी ज़्यादा राइज हो रहे हैं अभी। अल्टीमेट स्ट्रेस टेस्ट है ये गवर्नेंस सिस्टम ग्लोबली का, अभी ये बहुत बड़ा टेस्ट है, ये इनका PH टेस्ट हो रहा है अभी। वायरलिटी मतलब जितनी तेज़ी से ये फैला, और लीथैलिटी जितना इसने डैमेज किया, 50,000+ डेथ हो गई है USA में बिकॉज ऑफ दिस COVID-19, तो ये वायरलिटी और लीथैलिटी इस पैथोजन का अनपैरेलल है, हमारे इतिहास में हमने लर्न हिस्ट्री में हमने इतना इतना ग्रिम सिचुएशन कभी नहीं देखा मैनकाइंड के लिए। देन स्टेजेस हैं रेस्पॉन्स में, तो इसका जो रेस्पॉन्स प्लान बनाया अलग अलग गवर्नमेंट में वो बेसिकली तीन वे में बनाया है। पहला होता है लॉकडाउन, लॉकडाउन मतलब आप लॉक कर दो, जैसे इंडिया में लॉकडाउन हो गया, इससे क्या होता है हमें तैयारी का समय मिल जाता है, कैपेसिटी ऑगमेंटेशन हो जाता है, और कर्व को हम लीनियर करने में हेल्प होती है, वरना ये एक्सपोनेंशियल होता। सेकेंड जो है वो ईज हो जाता है बर्डन ऑन इकोनॉमी, सेकेंड जो स्टेप आएगा वो अब हम इस स्टेप पे आ रहे हैं, हम धीरे धीरे बिजनेस एक्टिविटी ओपन करेंगे ग्रेजुअली, थर्ड स्टेप जो आएगा उसमें हम मास वैक्सीनेशन मेडिसिन एंड ऑल से फिर हम रीबिल्ड करेंगे इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ को, तो इस तरीके से इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बताई है। वॉट ड्रैग्स सिस्टम डाउन, मल्टी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे आज देखो आप इंस्टीट्यूशंस हम पढ़ रहे थे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देखो, यूनाइटेड नेशन देखो, यूनाइटेड नेशंस का आप यूनेस्को देखिए, है ना, ये सारे इंस्टीट्यूशंस आप देखोगे ये वीक होते जा रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी पे क्वेश्चंस उठ रहे हैं, WHO पे सवाल उठ रहे हैं। तो ये बोला जाता है कि जैसे COVID-19 है ये किसी एक कंट्री का नहीं है, इसके पूरे ग्लोबल रैमिफिकेशन है, तो चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक, ये हमारी सोसाइटी में भी ऐसा ही है, सोसाइटी में एक पर्सन को होगा ना COVID-19 तो वो सबको हो जाएगा, सो चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक, हम सबको मजबूत बनने की ज़रूरत है बिकॉज दिस इज कलेक्टिव एफर्ट। यहाँ पे लिखा है बिहार डिस्टोपियन मोमेंट एंड अ लूमिंग क्राइसिस, इसमें चैलेंजेस लिखे हैं वाई यहाँ पे इतना ज़्यादा ये लैग हो रहा है बिहार में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। देन दिस इज पावर प्ले ड्यूरिंग पैंडेमिक, ये बात है फाइनेंस कमीशन नो प्लान टू ईज फिस्कल डेफिसिट टारगेट। सी COVID-19 जो आया, COVID-19 से स्ट्रेन आ गया है गवर्नमेंट के फाइनेंसेस में, पैसे की बहुत कमी हो रही है, और हम अभी फिस्कल डेफिसिट के लिए भी भूल गए, हम फिस्कल डेफिसिट FRBM के जो टारगेट हैं वो हम भूल गए, हमारा पूरा अभी पर्पस है कि पैसे लगाओ और इकोनॉमी को रिवाइव करो किसी तरह। बट यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो गवर्नमेंट फाइनेंसेस स्ट्रेन है, बट नो क्रेडिबल प्रपोजल टू अमेंड फिस्कल डेफिसिट। 15th फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के थ्रू जो बनती है, NK सिंह कमेटी साहब ने भी यही कहा है, इन्होंने अभी दो रिपोर्ट आएगी एक्चुअली इस फाइनेंस कमीशन की, इसमें जो डिवोल्यूशन होता है कि सेंटर के पास टैक्स गया है, सेंटर टू स्टेट के पास कितना परसेंटेज डिवोल्यूशन होगा टैक्स का, तो ये अराउंड 41% इस बार कहा गया है, 1% इसलिए कम हो गया लास्ट टाइम के 42 से बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर अब एक UT बन गया है, तो ये 1% इधर चला जाएगा, तो ये 41% सेंटर टू स्टेट जाएगा, फिर स्टेट, तो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन होता है अमंग स्टेट्स, और वर्टिकल डिवोल्यूशन होता है सेंटर टू स्टेट,
ये पूरा टैक्स रेवेन्यू एंड ऑल होता है। जैसे हमने टैक्स पढ़े थे ना, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये पैसा सीधा कहाँ जाता है? सेंटर के पास जाता है, सीएफआई एंड ऑल में। फिर ये इस तरीके से टैक्स शेयरिंग होती है, और ये बताती है ये फाइनेंस कमीशन की कैसे पैसे आपको खर्च डिस्ट्रीब्यूट कैसे करने हैं। अब इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग हुई, इन्होंने बोला अमिलियोरेट करो, मतलब कम करो इकोनॉमिक हार्डशिप को वाइल स्टेइंग विद इन द ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ, मतलब FRBM को हमें ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है अभी। देन रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी ये इन्वोक किया था, इन्होंने क्या इन्वोक किया था कि जब बजट प्रेजेंट किया था तो ये जो FRBM होता है, फिस्कल डेफिसिट का जो हम टारगेट मैनेजमेंट करते हैं, इन्होंने बोला था इसमें एस्केप क्लॉज निकालने का। एस्केप क्लॉज मतलब टू रिलैक्स फिस्कल डेफिसिट टारगेट 2020-21 का बाय 3.5%। जैसे 3% टारगेट है तो कोई बात नहीं, अब 3.5% तक भी चलेगा, सो दैट इज़ कॉल्ड एस्केप क्लॉज। 3.5% ऑफ GDP अगर गवर्नमेंट विशेज टू इंक्रीज स्पेंडिंग फर्दर इन लाइट ऑफ द करेंट क्राइसिस, मैनी इकोनॉमिस्ट हैव रिकमेंडेड इट मे नीड टू अमेंड द एक्ट। तो अभी पूरा जो आप देखोगे ना, इकोनॉमी में भी, बिजनेस न्यूज़ में हम देख रहे हैं, पूरा जो गवर्नमेंट का अभी फोकस है ना, वो लिक्विडिटी बढ़ाने में है, कि लोगों के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आए। अगर पैसे आएंगे तो वो खर्चा करेंगे और इकोनॉमी रिवाइव होगी। अब ये जो बात होती है ना, ये स्टेट को नहीं मिल पाती है, स्टेट के पास ऐसे इतना फ्रीडम नहीं है जितना सेंटर के पास फ्रीडम है। तो स्टेट गवर्नमेंट भी डिमांड कर रही है कि उनको भी 3% जो फिस्कल डेफिसिट है इसको रिलैक्स करके 4 या 5 कर दिया जाए, बिकॉज स्टेट भी हमने देखा था फ्रंट में ये फाइट कर रहे हैं, और स्टेट के पास भी रेवेन्यू लॉसेज हो रहा है। GST का भी जो इनको रिलीज करना था वो अभी तक मिला नहीं है, वो पास 3-4 मंथ्स रेवेन्यू लॉसेज हो रहे हैं। तो स्टेट आर ऑल्सो डिमांडिंग कि फिस्कल डेफिसिट में हमको भी रिलैक्सेशन दिया जाए, चेंज किया जाए, नीड फॉर न्यू लॉ। स्टेट बोल रहे हैं ट्रिगर देयर ओन एस्केप लॉ, बट इसमें कॉशन की ज़रूरत क्या पड़ेगी कि देखिए, जो उधार होता है ना, उधार एक आदत होती है, ये उधार एक हद के बाद अच्छा नहीं होता है। कई बार जो स्टार्टअप्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा फंडिंग भी ले लेते हैं, अननेसेसरी खर्चा करते हैं, वो खर्चा कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए उसको एब्जॉर्ब करने की। आप पैसे तो बहुत लगा दिए बट आपके पास कैपेसिटी नहीं है एब्जॉर्ब करने की, यूटिलाइज करने की, तो वो सारा पैसा क्या होता है, वेस्ट हो जाता है और वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड ऑल बन जाते हैं। इसीलिए आप देखना काफ़ी सारे स्टार्टअप्स क्या होते हैं, वो डूब जाते हैं, बिकॉज एक्सपेंडिंग टू मच और अर्निंग टू लिटिल। तो दैट इज़ वाई वर्ड ऑफ कॉशन होना चाहिए, नीड टू वे कॉस्ट ऑफ बोरोविंग मनी, उधार लेते वक्त बहुत सोच समझ के लेना चाहिए बोरोविंग फ्रॉम द मार्केट, वेदर देयर वुड बी एपेटाइट फॉर द बॉन्ड, इतना रिक्वायरमेंट है या नहीं है, कैपेसिटी है या नहीं है इनकी। देन प्रोजेक्शन ऑफ GDP ग्रोथ है, ये फिर से रिवाइज होगा बिकॉज सारा डेटा अब जंक हो गया है बिकॉज ऑफ COVID-19। शॉर्टफॉल टैक्स एंड अदर रेवेन्यू में हो रहा है। देन नुएंस्ड अप्रोच की ज़रूरत है, मतलब बहुत फाइनली मेटिकुलेटेड अप्रोच की ज़रूरत है फिस्कल रिस्पॉन्स की, दैट इज़ रिक्वायर्ड। स्टिमुलस की ज़रूरत है, स्टिमुलस की दो चीज़ें देखनी होगी, एक तो कितना साइज का स्टिमुलस है और उसका डिज़ाइन कैसा है, ये दोनों पर हमें ध्यान देना होगा। एक सपोर्ट मैकेनिज्म की ज़रूरत है, कैश स्टाफ सी लिक्विडिटी नहीं है स्मॉल एंटरप्राइजेस के पास, ये टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। पार्शियल लोन गारंटी और अदर मेजर्स टू प्रोटेक्ट NBFC's कंपनी, NBFC को हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज़ वाई कल हमने क्या देखा था, टारगेटेड LTRO, TLTRO, इसमें RBI क्या कर रही है, यहाँ पे लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करने का ट्राई कर रही है। सो दिस इज़ न्यूज़ रिगार्डिंग दैट, रीशिफल होगा लाइकली इन की डिपार्टमेंट। देन कोलकाता में IMCT रेजेस क्वेरीज ऑन टेस्ट, ये जो टेस्ट थे ना, रैपिड टेस्ट किट्स जो बुलाए थे चाइना से, ये सब डुप्लीकेट भेज दिए गए हैं और ये बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, तो चाइना पे अगेन काफ़ी एंगर डेवलप हो रहा है। देन ये MP रन आउट ऑफ RNA एक्सट्रैक्शन केस, बिकॉज ये हमारा पॉलीमरेज वाला टेस्ट था, इस ये रिलायबल होता है बट दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, सो इसमें RNA एक्सट्रैक्शन किट का शॉर्टेज हो रहा है। देन चाइनीज फॉर्म स्टैंड्स बाय टेस्ट किट, चाइना बोल रहा है नहीं हमने अच्छे किट भेजे हैं बट ये सारे किट वर्क नहीं कर रहे हैं, ये फ्लॉप हो गए। देन यहाँ पे बात है फूड ग्रेन स्टॉक विल लास्ट टिल नेक्स्ट मार्च, ये FCI चीफ ने क्लैरिफाई किया है, ये बहुत ज़रूरी भी है बिकॉज जब पैंडेमिक होता है ना तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है फूड शॉर्टेज की। तो अभी हम थैंकफुली कंफर्टेबल पोजिशन पे हैं, बफर स्टॉक हमारा अच्छा है, कॉलिंग इट एक्सेस विल बी एन एग्जेजरेशन, मतलब सफिशियंट है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हमने देखी थी, उसमें 5 किलो अन्न हम दे रहे हैं हर पर्सन को फॉर 3 मंथ। आइडिया इज जो फूड है, फूड के कारण किसी का स्टार्वेशन से डेथ नहीं होनी चाहिए। टोटल स्टॉक अभी हमारे पास 564 लाख टन का है, जिसमें से 280 लाख टन वीट है और 284 लाख टन राइस है।
अभी एक और अच्छी बात ये हो रही है कि जो राबी सीजन था उसकी वीट एंड ऑल उसका प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हो गया है, तो ये वापस रिप्लेनिश हो जाएगा। मीनवाइल खरीफ सीजन का प्रोक्योरमेंट भी अप्रोचिंग है। आइडिया अब ये है कि फूड कमी नहीं है, आइडिया है उसको टारगेटेड डिलीवरी देने का, इफेक्टिवली जिस बंदे को ज़रूरत है उस तक पहुंचाने की। सो दैट इज़ वाई हमने कल पढ़ा था जनधन आधार मोबाइल ये कैसे काम करेगी, MG नरेगा, TDS जो टी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है, PDS होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दे कुड बी वेरी यूजफुल। देन दिस इज सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं। देन यहाँ पे वाइल्ड लाइफ बोर्ड का जो है डिसीजन उस पर सवाल उठ रहे हैं असम के एलिफेंट रिजर्व में, यह रैम्पेड वॉयलेशन है लोकल फॉरेस्ट लॉज का, क्योंकि ये जो परमिशन दे रहे हैं किसके लिए, माइनिंग के लिए, और इससे फॉरेस्ट का लॉसेस होता है। तो ये एरिया है सालेकी, ये पार्ट ऑफ देहांग पटकई एलिफेंट रिजर्व है, इसमें देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, ये 111 स्क्वायर किलोमीटर का रेन फॉरेस्ट है। सेवरल रिजर्व शिव सागर, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे आते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, सालेकी पटकई एलिफेंट टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पे परमिशन दे दी है इस नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ पे, ये काम करती है अंडर MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। कोल माइनिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट कोल फील्ड इसको करेगी। तो अगेन इस पे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। जॉय अमिड लॉकडाउन, देन दिस इज फार्मर्स अर्ज नॉट टू बर्न वीट स्ट्रॉ। वीट का जो स्ट्रॉ होता है इसको फार्मर्स अक्सर बर्न कर देते हैं बिकॉज ये काफ़ी कन्वीनियंट होता है, बट इससे पॉल्यूशन होता है, रेस्पिरेटरी डिसीजेज होती है, सो दैट इज़ वाई फार्मर्स अर्ज नॉट टू बर्न वीट स्ट्रॉ। स्टबल बर्निंग भी एक बहुत बड़ा हेडेक होता है। स्टबल मतलब जैसे आपने वीट का हार्वेस्ट कर लिया, अब ये जो स्टबल बचा हुआ है, ये जो ठूंठ टाइप के थोड़े थोड़े निकले रहते हैं, इसको काटने के बजाय, थ्रेशर चल गया, इसको काटने के बजाय ये क्या करते हैं, इस पर आग लगा देते हैं और इससे पॉल्यूशन होता है। तभी आप देखना विंटर्स में दिल्ली एंड NCR में बहुत पॉल्यूशन स्पाइक हो जाता है। सो स्टबल बर्निंग एट्सेट्रा, ये कन्वीनियंट होता है बिकॉज यहाँ पर क्या है, लेबर का शॉर्टेज है, तो दिस इज़ कन्वीनियंट, बट अवॉइड दिस। देन IIT दिल्ली ने एक डिटेक्शन असे गेट लिया है, इससे ICMR का अप्रूवल होगा, ICMR अप्रूवल, देन विल अगेन गेट टू नो अबाउट इट लेटर। देन दिस इज शोकेस स्टैंड अप फॉर क्राफ्ट्स पीपल। क्राफ्ट्स पीपल मतलब ये जो हैंडीक्राफ्ट्स एंड ऑल जो बनाते हैं, इनको भी अभी अगेन जॉब लॉसेज हो रहा है, रेवेन्यू नहीं आ रहे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इनके पास जीरो होती जा रही है। देन दिस इज गोल्ड कट ड्रीम्स, दिस इज़ डिजिटल कलेक्टर शो केस। ये रानिल विक्रम सिंघे हैं, श्रीलंका एक्स, श्रीलंका के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। इन्होंने कहा है साउथ एशिया नीड्स अ ह्यूमैनिटेरियन रेस्पॉन्स टू द COVID-19 पेंडेमिक। COVID-19 के बैकड्रॉप में जैसे हमने SAARC इनिशिएटिव भी पढ़ा था, SAARC फंड भी बनाया था, वी नीड टू कम टुगेदर। देन मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप इज पासिंग ऑन सम स्टेटमेंट्स, दिस इज ट्रंप विल ट्राई टू पोस्टपोन। अब आप बात करते हैं बिजनेस का। डेट फंड्स पोज नो सिस्टमेटिक रिस्क, ये अभी क्लैरिफाई हुआ है। सी क्या हुआ, ये जो डेट फंड्स होते हैं ना, टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल, तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड है, इसने अपनी वाइंड अप कर दिया 6 डेट फंड्स को, इससे मार्केट में काफ़ी एक नर्वसनेस आ गई। अब एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ने क्लैरिफाई किया है कि जो एसेट्स थे डेट स्कीम में वो सेफ है, ये इनकी रेटिंग होती है, जैसे AAA रेटिंग है ना, AA+, LLL, AA+, तो इन्होंने ये क्लैरिफाई किया है कि 20-30% जो टोटल है वो AAA में है, तो देर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट। ओके, देन अब बात करते हैं ये डेट फंड होते क्या हैं। डेट फंड अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड है, इन्वेस्ट करते हैं फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में, जैसे कि बॉन्ड और ट्रेजरी बिल, टी बिल, बॉन्ड्स, ये गिल्ट फंड्स होते हैं, मंथली इनकम प्लान्स, तो ये काफ़ी सेफ माने जाते हैं इन कंपैरिजन टू अदर इक्विटी। इन पे ज़्यादा रिस्क एपेटाइट इनका कम होता है। अगर रिस्क कम है मतलब कि सेफ और स्टेडी है, पर रिटर्न थोड़े कम आएंगे। मार्केट में ऐसा जितना चलता है, जितना ज़्यादा रिस्क लेते हैं ना, उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, पर उतने ही ज़्यादा लॉसेस के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और ये जो डेट होते हैं जैसे गिल्ट फंड्स एंड ऑल होते हैं, ये सेफ रहते हैं, तो ये ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कराएंगे, बट ये बहुत ज़्यादा लॉसेस भी नहीं कराते। सो नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट इन अ हाईली वोलाटाइल इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट बहुत ऊपर नीचे जा रहा है, तो दैट इज़ वोलाटाइल। इन्वेस्ट इन डेट फंड्स, स्टेडी एंड लो इनकम देते हैं, नो सिस्टमेटिक रिस्क है। ये यहाँ पे ऐसा क्लैरिफिकेशन दिया है AMFI ने। देन ये वीक ग्लोबल क्लूज हैं, दिस इज सेंसेक्स फॉल हुआ है। सी अब ये सेंसेक्स क्यों फॉल हुआ, बिकॉज ये जो डेट स्कीम थी क्लोजर हुआ यहाँ पे,
तो इससे क्या हुआ, सेंटिमेंट्स डाउन हुए, सेंटिमेंट्स डाउन हुए तो ये जो सेंसेक्स है ये क्रैश हो गया, बिकॉज सेंसेक्स चलता है सेंटिमेंट्स एंड स्पेक्यूलेशंस पे। बियर होता है और बुल होता है, बियर नीचे गिराता है, बुल दौड़ता है, तो सेंसेक्स ऊपर दौड़ लगाएगा बुल से और ये स्क्रैच करके नीचे, बियर नीचे स्क्रैच करके सेंसेक्स को नीचे गिराता है। देन दिस इज एमएसएमई ड्यूज, ये भी काफ़ी इनके पास लिक्विडिटी क्राइसिस है, तो अभी 1,00,000 करोड़ का फंड बना रहे हैं ताकि इनकी लिक्विडिटी शॉर्टेज जो है उसको हम एड्रेस कर पाएँ। इस फंड से रीएम्बर्स होगा आउटस्टैंडिंग पेमेंट जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग का है फॉर दिस एमएसएमई ड्यूज, वो क्लियर किए जाएंगे इस 1,00,000 करोड़ से ताकि इन एमएसएमई के पास पर्याप्त मात्रा में पैसे रहें, क्योंकि इनको भी वेजेस देना पड़ेगा आगे, इनको भी ज़रूरत है बिजनेस करने के लिए, दे नीड मनी। देन यहाँ पे बात है IRDAI की, इंश्योरेंस रेगुलेटरी, इसने कहा है रिफ्रेन फ्रॉम डिविडेंड पे आउट। डिविडेंड पे आउट मतलब जैसे देखिए कंपनी होती है, कंपनी शेयर्स एंड दिस बॉन्ड्स सब बनाती है, इशू करती है जनरेट फंड्स करने के लिए। अब कंपनी को प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट अर्निंग हुआ, तो ये परसेंटेज ऑफ अर्निंग जो प्रॉफिट हुआ उसका कुछ परसेंटेज पे करेगी अपने शेयर होल्डर्स को, किस फॉर्म में, डिविडेंड के फॉर्म में। तो IRDA ने कहा कि अभी थोड़ा आप रुक जाओ, रिफ्रेन करो फ्रॉम डिविडेंड पे आउट बिकॉज हो सकता है आपके पास कैपिटल का शॉर्टेज हो सकता है। सो दैट इज़ वाई सजेस्ट किया है कि कंजर्व योर कैपिटल फॉर टाइम बिंग, डिविडेंड पे आउट से आप रिफ्रेन रहिए। देन स्पोर्ट्स में मीनवाइल यहाँ पे डिपॉजिट ग्रोथ है, रॉबस्ट है, क्रेडिट ग्रोथ डिक्लाइन हो रही है बिकॉज इकोनॉमी स्टैंड स्टिल पे आ गई है। देन वाइन मेकर्स को भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, नो रीज़न टू चीयर फॉर लॉन्ग टाइम। देन ये स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स भी अगेन सब स्टैंड स्टिल है, पोस्टपोन हो गई है सारी चीज़ें। ये नागालैंड है, यहाँ पे कर्ब ईज किया है फॉर दिस, ये क्या है, ये मोस्ट वैल्यूड हनी आता है, ये रॉक बी और स्टिंगलेस बी से आता है, स्टिंग नहीं करती है ये, स्टिंगलेस बी, ये रिज्यूम हो गया है, हनी बी फार्मिंग, एपिकल्चर एंड ऑल, इंटर और इंट्रा स्टेट मूवमेंट, प्लांटिंग मटेरियल, हनी बी कॉलोनी और बी हाइव होता है इनका, जिसमें मधुमक्खी का जो छत्ता होता है दैट इज़ कॉल्ड बी हाइव। प्रोडक्ट्स हैव बीन परमिटेड टू रिज्यूम। अदर एक्टिविटीज़, अब ये सारी फॉरेस्ट जैसे हमने पढ़ा था ना, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड ऑल, ये एक्टिविटीज़ हैं जैसे हार्वेस्टिंग प्रोसेसिंग ऑफ माइनर नॉन टिम्बर प्रोड्यूस ऑफ सर्टेन कैटेगरी ऑफ पीपल एंड प्लांटेशन, प्रोसेसिंग सेल एंड मार्केटिंग ऑफ दिस बैम्बू एंड ऑल। यू डू रीड दिस हिस्ट्री ऑफ क्लास 9, तो उसमें ये बहुत अच्छे से बताया है कि ये टिम्बर का कैसे चला फॉरेस्ट प्रोड्यूस में, इसका हिस्ट्री क्या है एंड ऑल, वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन ओवर दिया। तो ये नॉन टिम्बर प्रोड्यूस है और ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, एरिका नट, कोकोआ, स्पाइसेस, ये सारे अभी एक्टिविटी रिज्यूम हो रही है। सो दिस इज टूडेज न्यूज़ पेपर, आज हमने पढ़ा नागालैंड ने ये ईज किया है दिस हनी कलेक्शन एंड ऑल, IRDAI की गाइडलाइंस हैं, दिस इज वीक ग्लोबल क्यूज हैं, हमने आज समझा कि डेट फंड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल। देन फार्मर्स अर्ज नॉट टू बर्न वीट स्ट्रॉ, ये हमने वाइल्ड लाइफ बोर्ड नाम याद रखिए, दिस इज पटकई एलिफेंट रिजर्व, देहिंग पटकई एलिफेंट रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देन दिस इज फूड ग्रेन का सफिशियंट स्टॉक है इंडिया में अभी, ये बात थी नो प्लान टू ईज फिस्कल डेफिसिट, फाइनेंस कमीशन एंड ऑल। देन हमने पढ़ा ट्रो एंड क्रेस्ट है पेंडेमिक रेस्पॉन्सेज में, एंड दिस वॉज अ गुड आर्टिकल, जॉइनिंग ऑफ जाइंट्स। देन बिफोर दैट वी रेड अबाउट दिस नो 100% कोटा, दिस इज नो टेकर, इसमें हमने रिवर का यूथफुल मैच्योर स्टेज में ये ऐसे मीएंडरिंग हो रही है। कुछ रिवर्स होती है ना जो इनिशियल स्टेज पे भी मीएंडर करने लग जाती है, जम्मू एंड कश्मीर की एक बहुत फेमस रिवर है जो ऐसे मीएंडरिंग कर रही है, आप उसका नाम बताइए, मीएंडरिंग कर रही है ऐसे, ऑक्सबो लेक भी फॉर्म कर रही है। देन दिस इज डोनेट प्लाज्मा, कॉन्वालेसेंट थेरेपी है ये, ओके। देन वी रेड अबाउट दिस प्रेयर एंड पैंडेमिक, ये आर्किटेक्चर के बारे में समझा हमने, जामा मस्जिद। देन इधर हमने देखा इंडिया मस्ट बी सेल्फ रिलायंट और दिस इज चेंजिंग हॉटस्पॉट। सो दिस इज 25th of April 2020। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।